हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमें बोर्ड क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ने के लिए भी मिलता है, जिसका नाम है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। आपने सही सुना, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में वस्तु विनिमय प्रक्रिया भी बोलते हैं। आखिर ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है क्या? तो देखिए, बोर्ड क्लासेस में भी ये आता है और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये चीज़ आती है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को हम बताते हैं कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी, आखिर किस तरीके से जो सामान का जो आदान प्रदान होता था, जो मार्केटिंग होती थी, वो किस तरीके से होती थी। देखिए, आज हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज जब हम हायर करते हैं, तो उसके बदले हम उसको क्या देते हैं? उसके बदले हम देते हैं उसको अपने देश की करेंसी, चाहे वो इंडियन रुपी में हो, चाहे वो येन में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे रुबल में हो, चाहे पाउंड में हो, किसी भी करेंसी में हो, इट डजंट मैटर। लेकिन हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो बदले में हम क्या देते हैं? करेंसी देते हैं, और वो चीज हम प्राप्त करते हैं। और इसी करेंसी से जो हमारी जो मार्केटिंग सिस्टम है वो चलता रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सदियों पहले भी लोगों की जरूरतें सामान के लिए हुआ करती थी। सदियों पहले भी लोगों को छोटे मोटे सामानों की जरूरत पड़ा करती थी, तो उस समय दुकानें भी हुआ करती थी, उन दुकानों से सामान भी लोग बेचा करते थे। तो जब आप सोचिए कि जब उन दुकानदार सामान बेचते थे, तो आखिर बदले में वो क्या लेते थे? कोई करेंसी तो थी नहीं, किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं थी, तो वो बदले में क्या लेते होंगे, ये बात सोचने की है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था। तो इसमें स्टूडेंट्स किसी प्रकार की करेंसी हमको नहीं देनी पड़ती थी, मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे मान लीजिए मेरी एक दुकान है और उस दुकान पर मैं टॉफी बेच रहा हूं, और उस टॉफी को खरीदने के लिए मेरे पास में कोई बच्चा आता है, तो वो बच्चा मुझसे टॉफी डिमांड करेगा कि मुझे टॉफी चाहिए, और मैं उसको टॉफी दूंगा। बदले में उससे गेहूं ले लूंगा, बाजरा ले लूंगा, या कोई भी चीज जो मैंने डिसाइड कर रखी है वो उससे ले लूंगा और उसको टॉफी दे दूंगा। अब कितनी टॉफी पे मुझे कितना गेहूं लेना है, ये सबका सिस्टम अलग अलग था। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको दो टॉफी बेची है, तो बदले में आपको एक कटोरी गेहूं देना है या एक कटोरी चावल देना है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग थे वो किसी करेंसी में मार्केटिंग के ट्रांजेक्शन नहीं किया करते थे, वो वस्तु के बदले वस्तु लिया करते थे। वो किसी दुकान पे जाते थे तो अपनी जरूरत का सामान खरीद लेते थे, और उसी के रेशियो में उस दुकानदार की जिस चीज की जरूरत हुआ करती थी, जिस वस्तु की दुकानदार को जरूरत हुआ करती थी, और ज्यादातर जरूरत पहले दुकानदारों की राशन को ही लेकर हुआ करती थी, तो बदले में उसको राशन दे दिया जाता था। अगर मान लीजिए वो कपड़े लेने गए तो कपड़े ले लिए, और बदले में उसको कोई भी अनाज, चाहे बाजरा, गेहूं, जो भी डिसाइड हो उस समय पे, वो दे दिया जाता था। आज भी इतना मॉडर्न जो है हमारी दुनिया हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गांवों में ये आज भी चल रहा है कि उन गांवों में, छोटी मोटी गांव में किराने की दुकान होती है, और उन दुकानों पे आपने देखा होगा कि वहां के जो लोग हैं वो सामान को पैसे से नहीं खरीदते, सामान को खरीदते हैं और उसके बदले में अनाज या कोई और जरूरत की चीज वो दे देते हैं। तो ये बार्टर एक्सचेंज है, ठीक है। लेकिन अब करेंसी का इन्वेंशन हो गया, सभी देशों के पास अपनी खुद ही करेंसी है, तो जितना ज्यादा जो मार्केट है, जितना ज्यादा जो कमर्शलाइजेशन है, वो सब करेंसी में ही होता है। लेकिन आज भी कुछ कुछ जगह हैं जहां पे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम लागू है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या है। इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, कि एक वस्तु हमने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद ली और दुकानदार को उसकी जरूरत के हिसाब से कोई दूसरी वस्तु बदले में दे दी, तो इसको हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम।